एक बार राजा को वन पुत्री से प्यार हो गया। दोनों ने शादी की, लेकिन वक्त ने सब कुछ भुला दिया। तब एक मछली ने दोनों को फिर से मिलाया। हम बात कर रहे हैं पराक्रमी राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी की। ये कहानी शुरू हुई थी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद स्थित कण्वाश्रम में। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेड़ खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए, उसी वन में कण्डव ऋषि का आश्रम था। कण्डव ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक सुंदर कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थयात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन है? बालिके ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्डव ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्डव ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपना आश्रम में ले आए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्डव के तीर्थयात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा करा के अपने राजभवन में ले जाऊँगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि को यथा उचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से ध्रुवित पर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा यदि तेरे पास उनका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देकर उसे तेरी समृद्धि हो जाएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्डव ऋषि तीर्थयात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर कण्डव ऋषि ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है, अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। लेकिन मार्ग में एक सरोवर में अचानक महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी शकुंतला के हाथों से गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली ने ग्रहण कर लिया। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्डव ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उसके सामने खड़ी कर कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर अनंतक आरोप लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश से जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उनकी माता मेनका उन्हें उठाकर ले गई, जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निकल लिया था। एक दिन वह मछुआरे के जाल में आ गई, तब मछुआरे ने उसे काटा और पेट में अंगूठी निकाली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो गया और वे कृत्य कर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर
देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहाँ रुक गए। आश्रम एक सुंदर बालक एक भयंकर शेर के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्लाई, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुए, अन्यथा आपकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत सबको रोक ना सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा का बंधा काला डंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब भी कभी भी उसका पिता अपनी गोद में उठा लेगा या काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित हस्तिनापुर ले गए। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।